हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द मेकिंग फूड। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पनीर चिली रेसिपी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं पनीर चिली रेसिपी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आधा किलो पनीर कटी हुई, चॉप्ड ऑनियन, 4 ग्रीन चिलीज चॉप्ड की हुई, चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा। तो पनीर कोटिंग के लिए कॉर्नफ्लोर डाल दी, फिर मैदा, अब इनको मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली का पाउडर, अब इनको मिक्स कर लेंगे। पनीर कोटिंग बहुत ड्राई हो रहा है तब थोड़ा सा पानी दे देंगे, गीला करेंगे। और थोड़ा सा पानी देंगे और फिर इसको टॉस कर देंगे। तो पनीर का कोटिंग हो गया हम लोग का, देख सकते हैं। अब पनीर को फ्राई करने के लिए गैस ऑन करके मस्टर्ड ऑयल दे देंगे। मस्टर्ड गर्म होने के बाद पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार हो गया हम लोग का, तेल गर्म हो गया है। अब हम लोग एक एक करके पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो हम लोग का पनीर हो रहा है फ्राई, ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस थोड़ा सा कलर चेंज करना बाकी है, फिर उतार देंगे इसको। हम लोग का पनीर हो गया है फ्राई, अब इनको एक करके उतार रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का पनीर चिली का फर्स्ट प्रोसेस हो गया ख़त्म। पनीर को हमने फ्राई कर लिया है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो पनीर चिली का ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले रेड चिली सॉस, 1 बड़ी चम्मच सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस भी 2 चम्मच और कॉर्नफ्लेक्स पाउडर। पनीर को फ्राई करने के बाद तेल बच गया था, तेल उसको निकाल दिए, बस थोड़ा सा ऑयल दिए। तो सबसे पहले चॉप्ड गार्लिक, गार्लिक और जिंजर को चॉप्ड किए हुए फ्राई करेंगे पहले। ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस थोड़ा सा ताकि स्मेल थोड़ा आ जाए। फिर अब रेड चिलीज वो सॉरी ग्रीन चिलीज को, अब चॉप्ड ऑनियन, चॉप ऑनियन को फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, बस 3-4 बार चलाना है। फिर चॉप कैप्सिकम भी डाल दिए, उनको भी 3-4 बार बस। हम लोग कॉर्नफ्लोर पाउडर का घोल बना लिए हैं और घोल बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी देके घोल बनाना है, एक ही बार में पानी नहीं देना है। हम लोग का इधर कैप्सिकम, जिंजर, गार्लिक, प्याज हो गया थोड़ा थोड़ा फ्राई। अब थोड़ा देंगे काली मिर्च पाउडर, आप इसमें रेड चिली पाउडर दे सकते हो, लेकिन हम लोग ज़्यादा तीखा देंगे नहीं। अगर आपको तीखा पसंद है तब यूज़ कर सकते हो। हम लोग ग्रीन चिलीज़ के साथ ही बनाए हैं। अब सॉस डालेंगे, सबसे पहले रेड चिली सॉस डाल दिए, फिर सोया सॉस, फिर रेड टोमेटो सॉस। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब नमक 1 चम्मच यहाँ पे डालें, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा कि नमक का हिसाब सबके अलग अलग होता है। अब आधा गिलास जैसा पानी देंगे ग्रेवी बनाने के लिए। हम लोग इस पनीर चिली ग्रेवी वाला ही बनाएंगे। अब कॉर्नफ्लेक्स पाउडर डाल देंगे जो रखे थे।
इसको डालने से उनका ग्रेवीपन में जो ग्रेवी जो है उसमें गाढ़ापन आता है। हम लोग का पनीर का ग्रेवी हो गया तैयार, इसमें भी अच्छे छोड़ रहे हैं। अब हम लोग पनीर डालते जाएंगे। हम लोग ग्रेवी में पनीर डाल दिए, हम लोग का पनीर चिली हो गया तैयार। अब इनको गैस से उतार लेंगे। तो अब चलिए सर्व कर लेते हैं। तो पनीर को हम लोग सर्व कर रहे हैं। अब पनीर चिली को थोड़ा सा गार्निश कर देंगे कोरिएंडर लीव से। तो फ्रेंड्स, हम लोग का रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिली हो गई है तैयार। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट भी कीजिए कैसी है रेसिपी, कैसी लगी। और ये एक मेरे सब्सक्राइबर की भी इच्छा थी, तो उसी के कहने पे आज मैंने ये खास करके रेसिपी बनाई पनीर चिली। तो ये खास उनके लिए भी है। अगर आप लोगों की कुछ भी रिक्वेस्ट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।